Welcome back to Hot Pack Flavours of Ramadan powered by Sadia. My name is Gaurav. Naam to suna hoga. Aur main wo kar raha hoon jo aap sab karna chahte hain. Main bana raha hoon khana Asha ji ke saath. And aap is baar soch rahe hain yaar Gaurav bada lucky hai yaar acha kaam karta hai ye. ये मौका आशा जी ने डिसाइड किया है कि आपको भी मिल सकता है. आप सब भी मेरी तरह आशा जी के साथ खड़े होकर एक एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास कर सकते हैं. इसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि लॉग ऑन करना है www.ashasrestaurants.com/flavoursoframadan पर. वहां पर एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्टेस्ट है, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और हो सकता है कि आशा जी आपको यही रेसिपी या शायद कोई और रेसिपी सिखाएं. आप जरूर आइएगा, आपको मैं खुद खड़े होकर यहाँ पर रेसिपी दिखाऊंगी और मेरा ख्याल है कि आप नाराज नहीं होंगे. आपसे नाराज कोई हो भी नहीं सकता आशा जी. चलिए गौरव, ये देखिए इसमें एकदम अच्छा सा उबाल आया है. राइट, तो अब ये मैं इधर कर लेती हूँ. जी, तो यहाँ मुझे तो आप इसमें क्या करेंगी? अब घी डालूंगी. ओहो, उसमें घी बिल्कुल नहीं डाला था ना. हाँ, हाँ. तो 5-6 चम्मच अंदाजे से डाल दीजिएगा आप, जैसे भी आपके आलू हो. ये हींग है. अब ये मैं इसमें कच्चा हींग डाल रही हूँ. कच्चा हींग डाल के तो इसको अब अगर हमारा सारा कुकिंग हो गया आशा जी. हाँ. तो ये रेडी है, इसे प्लेट में डालें? हम डाल सकते हैं. डाल सकते हैं. तो चलिए इसको प्लेट में डालने की तैयारी कर लेते हैं जल्दी से. लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले. आशा जी क्या बात है, क्या बात है. इसी बात पे एक काम करते हैं, आशा जी को छोड़ नहीं सकते हैं. ये बात सही की इन्होंने कि फिर जन्म में मुलाकात हो ना हो. तो अब आशा जी अगर हमारे साथ आई हैं और इतना बढ़िया खाना बना रही हैं, आशा जी मूड में हैं, तो लगे हाथ तो आशा जी आपसे एक और चीज़ बनवा लेते हैं. एक और चीज़ सिखाइए. क्या सिखाएंगे आप हमको? मसाला भात यानी मसाला चावल, वेजिटेरियन. आज वेजिटेरियन डे है. अच्छा आशा जी, अब मसाला भात बताइए कैसे बनाना है. जी, मैंने 4 चम्मच घी डाला है. घी डालने के बाद जी मैं डालती हूँ ये प्याज, तिल और खोपरा. अच्छा, तो इसको मिक्सी में तीनों चीज़ें पीस ली हैं साथ में? हाँ, मिक्सी में पीस ली हैं तीनों. हाँ. इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया की पाउडर, 1.5 चम्मच डालनी चाहिए. गरम मसाला, जीरा पाउडर, जीरा, सूखी मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी शक्कर देनी है. अच्छा, थोड़ी सी इतनी सी टेस्ट के लिए. और नींबू डालने वाले आलू थोड़े डालेंगे, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे. हाँ बस, बस 2-4 बहुत, बस 2-4 बस. अब बैंगन चाहिए आपको? बैंगन चाहिए. अब हमारा मसाला तैयार है, चावल डाल दीजिए. अच्छा, तो ये अभी कच्चे भिगोए हुए चावल हैं? जी हाँ. जो आप इसमें डाल रही हैं? जी हाँ. आप इसमें केसर भी डाल सकती है, मतलब अगर आपको अच्छा टेस्ट और चाहिए, खुशबू अच्छी चाहिए तो केसर भी डाल सकते हैं. हल्दी की जगह केसर डालनी है. अब इसको मैंने भून लिया जी. अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ. ओके, समझ लीजिए 1 कटोरी चावल में 3 कटोरी पानी होना चाहिए. अब ये देखिए आशा जी, देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है. आई थिंक ये पका परफेक्ट है, चावल एकदम खिल गए अच्छे जी. ओहो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. अब इस पे हरा धनिया, मराठी लोग हैं ज्यादातर और बंगाली. हाँ. खोपरा यूज करते हैं.
सो द ब्यूटी अबाउट दिस इज आशा जी ने हमें जो ये डिश सिखाई है इसकी ब्यूटी है कि आप इसे फटाफट बना सकते हैं, आपको टाइम नहीं लगेगा बनाने में एंड इसकी इतनी अच्छी अरोमा आ रही है, इट्स अ लाइट थिंग टू हैव एज वेल। आप इसे सूर में खा सकते हैं, आप इसे इफ्तार में भी खा सकते हैं, आप भी इसे बनाकर ट्राई कर सकते हैं और बताइएगा जरूर कि आपको ये कैसा लग रहा है। आशा जी हम आपको इस एपिसोड से तो भी जाने दे रहे हैं लेकिन हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। कहाँ से? दुबई से, क्योंकि हमने आपके साथ अभी और एपिसोड करने हैं। यू गॉट टू वॉच द ईद स्पेशल एपिसोड। आशा जी इज गोइंग टू डू समथिंग वेरी वेरी स्पेशल इन दैट। आशा जी पर इस एपिसोड के लिए थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। थैंक यू।